करनाल अनाज मंडी में धान के सीजन में समस्या बरकरार है। कभी खरीद तो कभी लिफ्टिंग की समस्या के कारण किसानों से लेकर आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये जाम मंडी के हर गेट पर देखने को मिला। मंडी में धान के उठान की समस्या लगातार बनी हुई है। जब मंडी में धान का सीजन शुरू होता है तब समस्याएं शुरू होती है और जब तक धान का सीजन खत्म नहीं हो जाता ये समस्याएं इसी तरीके से बरकरार रहती हैं। कभी गेट पास की समस्या, कभी धान की खरीद की समस्या, तो कभी लिफ्टिंग की समस्या। अब गेट पास किसानों को भले ही समय पर मिल रहा हो, धान की खरीद भी शुरू हो रही हो, पर मंडी में धान की लिफ्टिंग का काम कछुए की चाल से हो रहा है। ठेकेदार लापरवाही बरत रहे हैं, प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा। धान मंडी में पड़ा पड़ा खराब हो रहा है। लिफ्टिंग की समस्या इतनी ज्यादा है कि मंडी में गेट पास भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के नहीं काटे गए ताकि मंडी में पहले जो धान की तुलाई हुई है उसका उठान हो जाए। मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉलियां आई नहीं, जिसके चलते ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या मंडी में डबल हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या डबल होने के कारण मंडी के हर गेट पर जाम लग गया। नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों के साथ साथ आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये समस्या अभी भी बरकरार है। 3 बजे के खड़े रात के यहाँ सारी रात होगी, सारा दिन हो जाएगा, कोई सिस्टम नहीं बन रहा। सारा जाम लग रहा जो आते बिल्कुल जी, लोगों की ट्राले भी पट गया। देखो लड़ाई बजे अंदर भी किनारा जी दिया जी, ना उठन लग रही। गेट पास कट रहा है? हाँ गेट पास कुछ नहीं कट रहा जी। क्या नाम है आपका? रवि आजाद है जी। कहाँ से हैं? गांव लंडोरा जिला करनाल जी। लंबा जाम लगा हुआ है? हाँ जी लंबा, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। परेशानी हो रही है? ज़्यादा परेशानी हो रही है जी। शाम के खड़े कल के। क्या आपको पता चला किसके जाम है? मंडी बंद थी, जाम तो बहुत है जी, बहुत लंबा है, 4-5 किलोमीटर तक का। कल से ही खड़े हैं? हाँ जी कल से खड़े हैं। खाना पानी? कुछ नहीं जी, खाना पानी कुछ नहीं है। अब फिलहाल हम जा रहे हैं गेट पास, आज मिल रहा है जी? आज मिल रहा है गेट पास? आज तो मिल रहा है, चल रहा है। कहाँ से हैं आप? यहीं से आज ही रहने से ही। कितने धान लेके आए हैं? धान तो होगा जी 70-75 कुंटल। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। अजी असं बहुत परेशान हुए रात से, कल से अभी 6 बजे आए हुए हैं शाम से, कल तो शाम से 6 बजे आए हुए हैं, तो उस टाइम से ना कोई रोटी खाती ना कुछ पानी पीता, उमें आ उनसे इन्ने परेशान होते हैं। सरकार कोई हल नहीं करती भी, साढ़े जिमीदार मार दे लगी सरकार। गेट पास बंद कल है? नकल गेट तो बंद थी। क्या नाम है आपका? सरताज सिंह। हजारों की संख्या में ट्रेलियाँ हैं और कल छुट्टी थी, कल लिफ्टिंग का कार्य चल रहा था, कल लोडिंग हुई है और आज इसलिए ज़्यादा ट्रेली आ रही है। बहुत ज़्यादा रस है और व्यवस्था बना रखी है, चल रही है, लाइन में चले हुए हैं, गेट पास कट रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर रोड में आए हैं? हाँ काफ़ी ट्रेली है, हजारों की संख्या। समस्या लगी हुई है? हाँ कई सर्विस लेन है, सर्विस लेन पर लग रही है। कई किसान हैं मानते नहीं आपस में एक दूसरे को, ऊपर से ऊपर ऊपर उनको पहले मैं जाऊँगा, कह रहा पहले मैं जाऊँगा, तो इसलिए थोड़ी परेशानी आ रही है। हाँ चारों तरफ से इन्होंने सहयोग देना चाहिए प्रशासन का, भाई इनका भी काम चलता रहे और जनता को भी परेशानी ना आए। अब लिफ्टिंग हो रही है? हाँ लिफ्टिंग हो रही है, लिफ्टिंग हो रही है, लिफ्टिंग से गाड़ियाँ देखो लिफ्ट हो गया या अभी ट्रक लिफ्ट हो गया, अभी जा रहा है, लिफ्टिंग हो रही है, चल रही है। कल भी लिफ्टिंग बहुत हुई है और आज भी चल रही है लिफ्टिंग, गेट पास कट रहे, चल रही है।